पिथौरागढ़ में इन दिनों बीमारियों का दौर चल रहा है। शहर के बाद अब ग्रामीण इलाके भी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। पिथौरागढ़ में भारत नेपाल की सीमा पर बसा अंतिम गांव जमराड़ी की बात हम कर रहे हैं, जहां सभी ग्रामीण लोग एकाएक बीमार पड़ने लगे और एक बालिका की मौत भी बीमारी से हो चुकी है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की टीमों को गाँव में भेजा और सभी लोगों को दवाइयाँ बांटी गई। लेकिन डॉक्टरों के पास संसाधनों की कमी होने से ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हो पाया, जिसके बाद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेकर तत्काल जमराड़ी गांव के समस्त ग्रामीणों की खून जांच और स्वास्थ्य परीक्षण के निर्देश दिए, जिसके बाद दोबारा डॉक्टरों की टीम के साथ जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एच एस सियांकी भी खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। जमराड़ी के ग्राम प्रधान ललित मेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में एकाएक सभी लोग बीमार पड़ने लगे हैं और दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण यहां से अस्पताल पहुंचना भी यहां के लोगों के लिए काफी मुश्किल है। ऐसे में गांव में आकर ही स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगाया है, जिसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। गाँव में ही डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क उपचार मिलने पर सभी गाँव वालों ने राहत की सांस ली है। स्कूल के दोनों तीनों, एक आंगनबाड़ी केंद्र, एक जूनियर हाई स्कूल, एक प्राइमरी है हमारे यहाँ, तो दोनों स्कूल में बच्चों को वायरल टाइप का फैल गया, किसी को बुखार, किसी को खांसी। फिर यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहले दिन कैंप लगाया था, उस दिन जाँचें नहीं हो पाई थी। फिर CMO साहब को हमने फ़ोन किया, उसके बाद क्या कहते हैं, आज ब्लड जाँच की भी व्यवस्थाएँ की जा रही है यहाँ। फिर स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे गाँव में सरकार है कि हम बहुत बहुत आभारी छूँ। दूसरे हमारे यहाँ कैंप लगा सो, हमारे बाल गोपाल इधर उधर बूढ़ा बाड़ा सब बीमार लोग नाम कैंप लगा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद से सरकार। मैं भी खुद अस्थमा पेशेंट हूँ, मेरे को भी सूचना दी गई कि आप आ सकते हैं इधर, हमने कैंप लगवाया है। तो मैं प्रदेश सरकार का, ग्राम प्रधान का एवं समस्त लोगों का आभारी हूँ कि मेरे को यहाँ निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है। पिथौरागढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एच एस सियांकी ने बताया कि पूर्व में मिली सूचना के आधार पर तत्काल डॉक्टरों की टीम को सीमा के निकटवर्ती गांव जमराड़ी में चेकअप के लिए भेजा था, जिसमें डॉक्टरों ने इसे नॉर्मल कोड बताया और सभी को दवाइयाँ भी बांटी गई। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने स्वतः संज्ञान लेकर समस्त ग्रामीणों की गहनता से जाँच के आदेश के बाद लोगों को पीलिया और टाइफाइड के लक्षणों से रूबरू भी कराया गया है और जिस किसी में भी ऐसे लक्षण हैं उन सभी के ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने ग्रामीणों को हर संभव मदद देने की बात भी कही है। टीम के द्वारा जहां यहां एक कैंप लगाई गई थी, जिसमें 111 लोगों का जो है यहाँ 11 लोगों को देखा था और उनको जो है दवा उपलब्ध कराई गई थी, तो उनका कहना यह था कि जो टीम का कहना यह था कि यहाँ कॉमन कोल्ड है, तो जो है उसके अलावा जो है कि पब्लिक और जनता ये चाह रही थी कि हमारी सारी जाँच हो जाए किट के माध्यम से, क्योंकि किट एक्चुअल में जो है पीलिया के लिए कोई किट नहीं आती, उसके लिए सैंपल टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। तो आज पुनः यह कैंप जो है दोबारा लगाया है ताकि जो पीलिया के लक्षण जिस पर होंगे उसका जो है हम सैंपल भेज के रूल आउट कर दें। पिथौरागढ़ से हिमांशु जोशी, न्यूज 18 लोकल के लिए।